आगे बढ़ना है तो कम से कम व्यवहार सीखना चाहिए ठीक से। इस तरह की बात करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इस तरह से ऐसे ही किसी के बारे में बता देना, आप बताइए, आप ही लोग जानते हैं, सब लोगों को पता है। तो इस तरह से ऐसी बातों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, असत्य बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं तेजस्वी यादव, आपको लगता है कि ये मर्यादा है सदन के अंदर? नहीं, वो तो मर्यादा ही है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और सदन की जो परंपरा है उसके विरुद्ध काम करना, अगर आप कोई भी बात कह रहे हैं और बात गलत तो आप तो बहुत लोग अपने ऊपर से उसके खिलाफ लिख सकता है और उसके लिए कार्रवाई की बात कर सकता है। तो हम तो ये सब बात करते नहीं हैं, हमको कोई मतलब नहीं। हम तो यही चाहते हैं भाई, आप जानते हैं इतने दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ असेंबली में रहे हैं, पार्लियामेंट में रहे हैं, आज यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, तो सबको पता है कि किस तरह से हम लोगों ने सदन में कार्यवाही की। और कोई बात है, आप बताइए, जब एक साथ थे 2015 में और जब रेड हुआ घर पर और उसके बाद सारी बातें आई, केस हुआ दर्ज, तो हम लोगों ने क्या कहा था, एक्सप्लेन कर, और जब एक्सप्लेन नहीं किए तो हम हट गए और उसके बाद बीजेपी के सहयोग के साथ मिलकर के फिर हम लोग सरकार बना लिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपको एक्सप्लेन करना नहीं चाहिए भाई, हम तो यही कह रहे थे ना खाली कि अपने ऊपर जो आरोप है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए और उसके बाद जो कुछ भी वो, हम कहाँ कहीं कोई चर्चा करते हैं, कहीं हम कहने जाते हैं कि चार सीटेड हैं और इन पर और आगे तक की बात हो गई, ये सब बात हमको क्या मतलब है? लोगों को अपना घोषित करना है, खुद चुनाव लड़िएगा तब बताइएगा नहीं कि आप पर क्या आरोप है। तो इसलिए इन सब बातों पर जरूर ही एक मर्यादा का पालन करना चाहिए। जेल के अंदर अगर आप आगे, की आगे, आगे आगे कर रहे हो, सब बात सामने आ रहा है, जेल से कैसे फोन हो रहा है, कैसे लोगों को, आप जिसको भी फोन कर रहे हैं और लोग अपनी तरफ से बता रहा है कि हमारे ऊपर फोन आ रहा है, ये क्या क्या चल रहा है बताइए? ये सब कोई आचरण है? ये कोई मर्यादा का पालन हो रहा है? तो ऐसी बातें हैं, देखिए यहाँ पर तो कोई लाख चाहेगा एनडीए में किसी को इधर से उधर नहीं कर सकता, इसलिए वो सब बात बेकार है और ये सब प्रयास नहीं करना चाहिए। और बहुमत क्या होता है? बहुमत तो 122 है, तो एनडीए को 125 है, और भी समर्थन है बहुत लोगों का आपको, हो सकता है, तो एक अलग बात है, इंडिपेंडेंट है उनका समर्थन है, तो कई तरह की चीज़ें हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर ज़्यादा नहीं करना चाहिए, अरे बात करनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, ठीक से काम करना चाहिए। सर, बीजेपी के विधायक ललन पासवान ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत निगरानी केस में मामला दर्ज किया है, इस पर क्या करो?